नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपये निकाल कर निकली महिला के थैले से 38,000 रुपये व कागजात चोरी कर लिए गए। महिला का कहना है कि वे पासबुक की एंट्री करवाने के लिए लाइन में खड़ी थी, इसी दौरान दो अज्ञात महिलाओं ने उसके बैग से रुपये निकाल लिए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला की शिकायत लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी महिलाओं की पहचान का प्रयास कर रही है। बता दें कि गांव सिहोल निवासी महिला शीतल अपने बेटे के साथ आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपये निकालने आई थी। बैंक से 38,000 रुपये निकालकर उसने अपने थैले में रख लिए। महिला पास ही बने ई सेंटर पर पासबुक की एंट्री कराने के लिए लाइन में लगी। एंट्री के लिए लाइन में लगी हुई थी। लाइन में खड़े होकर शीतल के युवक की मदद से पासबुक चढ़वाई और अपने बेटे के साथ साइड में खड़े होकर पासबुक को देखने लगी। उसी दौरान पीछे खड़ी दो महिलाओं ने उसके बैग से पैसे चोरी कर लिए। मैं पैसे अंदर से लाइन निकाल के और मशीन पे एंट्री करने आई हूँ, मैं और मेरा बेटा, और वहीं से इसके बैग में से निकाल रहे हैं, इस थैले में से। तो कौन से बैंक में आप आए हैं? भारतीय स्टेट में। कितना पैसा आपने निकाला? 40। तो आपने अपने बैग में रख लिए? हाँ, अपने पॉलिथिन में लपेट के, उसमें चेकबुक ही, आधार कार्ड और इसके पापा का आई कार्ड, और वहाँ से पुलिस लाइन में से सामान लाते हैं कैंटीन में से। तो पासबुक एंट्री करवानी, ये एंट्री तो इसमें करवानी आई है। तो आप ही कर रही हैं? आपके आसपास कोई खड़े थे? मेरे पास मतलब मैं उससे दो आ गए, एक ताऊ से चले गए, एक भैया से, उस पर मैंने भी करवाई। मैं भैया मेरी भी लगा दो, वो भी चला गया, और मैंने एंट्री करवाई। एंट्री करवा कर मैं मतलब अपनी पासबुक का देख रही, मतलब तनख्वाह आई है ना आई, बेटा भी वहीं खड़ा, और इस झूले में से ऐसे माँ बेटा देख रहे हैं ना, तो ऐसे पीछे से ले गई निकाल के। अभी 112 की कॉल आई थी, सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ। महिला ने अपनी दरखास्त दी है, उसमें लिखा है कि उनके 38,000 रुपये, एक उनका पति का आई कार्ड और एक पासबुक की कॉपी और एक आधार कार्ड की कॉपी, दो नाम पता नामालूम महिला जो चोरी करके ले गई है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश कर रहे हैं। राशि जो बताई है उन्होंने, शिकायत में जो दी है, वो 38,000 रुपये है, और हम सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसकी पहचान में लगे हुए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।